नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर लीडर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल पर आप देखते हैं कि खेती बाड़ी से आप कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा चैनल एग्रीकल्चर लीडर सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे टिंडे की खेती के बारे में। साथियों, आज हम जिस सब्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह सिर्फ अपने स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपने औषधीय गुणों के लिए भी जानी जाती है। आइए जानते हैं टिंडे की खेती के लिए भूमि जानकारी और तैयारी कैसे करनी चाहिए। वैसे तो टिंडे की खेती कई तरह की मिट्टी में की जा सकती है। टिंडे की खेती से अधिक पैदावार और लाभ लेने के लिए इसके लिए जीवाश्म युक्त रेतीली व दोमट मृदा उपयुक्त होती है। नदी तटों की मिट्टी में भी टिंडे की खेती से लाभ लिया जा सकता है। भूमि का पीएच लेवल 6-7 बढ़िया माना जाता है। खाद और उर्वरक। टिंडे की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों की साथ साथ कार्बनिक व जैविक रसायनों के उपयोग की आवश्यकता होती है। कार्बनिक उर्वरक के रूप में गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर व 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। अब जानते हैं खाद और उर्वरकों की प्रयोग की विधि। सबसे पहले गोबर की खाद की पूरी मात्रा को भूमि की तैयारी से पहले खेत में मिला दें। इसके बाद नाइट्रोजन की आधी और फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा भूमि में डालकर जुताई करें। बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा को खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग करें। बुआई की विधि। टिंडे की बुआई थालों में की जानी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 2-2.5 मीटर और थालों से थालों की आपस की दूरी 1-1.5 मीटर रखते हैं। हर थाले में 4-5 बीज की बुआई करनी चाहिए। बीजों के अंकुरण के बाद केवल 2 स्वस्थ पौधों को छोड़कर बाकी के पौधे उखाड़ देने चाहिए। पर्याप्त सघनता होने पर पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। सिंचाई की संख्या भूमि की किस्म व स्थानीय जलवायु पर निर्भर करती है। क्योंकि यह एक उथली जड़ वाली फसल है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। टिंडे की फसल पर पहली सिंचाई अंकुरण के 5-8 दिन के अंदर करनी चाहिए। टिंडे में बौछारी विधि से सिंचाई करने पर 28-30% उपज बढ़ाई जा सकती है। साथ ही टिंडे की खेती में विधि से सिंचाई करने पर हम पानी के दुरुपयोग को भी रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमें खेती बाड़ी से जुड़े कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर लेके आएंगे एग्रीकल्चर से जुड़ी कुछ नई बातें। तब तक के लिए नमस्कार।